गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नैनीताल में डे टू और हम सुबह सुबह आए हैं लेक के पास। ब्यूटीफुल लेक, हवा बहुत चल रही है। हनुमानगढ़ी भी पहले चलिए, सात साल चलते हैं पहले। हनुमानगढ़ी भी कब आ रहे हैं जरा व्यू सेल्फी पॉइंट है। सेम एज इट इज शिमला में ग्रीन वैली नाम से और सेल्फी पॉइंट नाम से। और ये हमारे उत्तराखंड में जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग उत्तराखंड से हैं उन्हें पता होगा कि भाई ये बहुत कॉमन है, जो लोग शिमला मसूरी जाते हैं सेल्फी पॉइंट देखने या ग्रीन वैली देखने। तो देखिए आप लोग, फोटो शॉट चल रहा है मम्मी और पापा कर रहे हैं फोटो शूट। सेल्फी पॉइंट के बाद अब हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में। ये जो आप हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं इसकी हाइट है 52 फीट। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। अब हम पहुंच गए हैं नौकुचिया पार और हम यहाँ पे करेंगे बोटिंग। और इसके नौ कोने हैं इसलिए इसका नाम पड़ा है नौकुचिया ताल। तालाब भी बड़ा है नैनीताल। हाँ नैनीताल से अच्छा बड़ा तालाब है। बड़ा ये बहुत अलग है। दो बाटी रेस्टोरेंट, यहाँ दो रास्ते हैं जिसको पहाड़ी में बाटा कहते हैं। ये दो बाटी रेस्टोरेंट वेरी कॉमन है। अभी रुके हैं दो बाटी रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट के लिए। दो बाटी जो दो बाटी है वो हमें पता नहीं बाटा है, अभी वीडियो में हम देख रहे हैं। पे बोलना दो रस्ते हैं वहाँ पे, इसलिए उसका एक कॉमन सा नाम रास्ते को बाटा ये भीमताल और उसके बीच में है ना, इसलिए उसका नाम दो बाटा पड़ा। दो रास्ते दो बाटा को बाटी कहते हैं, इन्हें लाटी कहते हैं। बड़ी भाषा में रास्ते को बाटा कहते हैं। रास्ते को बाटा कहते हैं। यहाँ पे दो रास्ते हैं इसलिए इसका नाम ही दो बाटा रख दिया इन्होंने। और कॉपीराइट भी ले लेंगे थोड़े दिनों में, कोई और नहीं रख पाएगा इसका नाम। ट्रिप के स्पॉन्सर हमारे पापा जी, स्पेशल थैंक्स टू पापा जी। ये ट्रिप स्पॉन्सर करा हमारे पापा जी ने, हमारे आने जाने खाने का सब खर्चा। और ये देखिए इनको 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 स्पेशली इन दोनों को लेके आने के लिए ये दो है जिनके लिए स्पेशली ट्रिप प्लान करा है। हम आते तो इतना नहीं था बट ये बड़ी बानू छोटी बानू हमारी सिम्मी और ये इनकी माता हमारी माता जान की माता। मालिक को पहले दे दो भाई। आगे भी खाना था माल के नाम मिलोगे। अच्छा मम्मी तो पीछे बैठ रही हैं। चलिए चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। ब्रेकफास्ट हो चुका है। सवारी ध्यान से बैठे। ताजे पानी का स्रोत सीधे पहाड़ से। इसमें
स्पेशल फरमाइश में जिनके आ गए राजभवन हमारी माता जी। बताइए मम्मी की यादें, कितने छोटे थे जब यहाँ रहते थे? कितने छोटे थे? कितने? 10-12 साल। 10-12 साल के थे? ज़्यादा छोटे ही थे। 10-12 साल तब से, तब आई थी फिर उसके बाद नहीं आई। बस एक ही बार आए? एक बार क्या आई, बचपन में तो खूब आई। यहीं रहते थे? तो सब एक साथ आते थे, एक ही करके आते थे नाना जी? एक साथ ही आते थे। मौसी सब नहीं, गर्मियों में आते थे हम लोग, सब मौसी मामा सब रहते थे। हाँ, ये भी आप देखे ब्रिटिश टाइम का बना हुआ बिल्डिंग है। कोई मिल गया मूवी देखा होगा आप लोगों ने? जी जी देखा ना, कोई मिल गया मूवी। उस मूवी जब पुलिस चौकी दिखा जहाँ आपका जॉनी लीवर बैठा करते थे, तो यही चौकी आप देखे मूवी में जो है शूट किया गया। जहाँ आपका मूवी में बास्केटबॉल खेल वॉलीबॉल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बैक साइड में आगे आप देखे बिल्डिंग के अंदर जितना पोस्टर गवर्नर साहब द्वारा ओपन किया गया है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा। ओनली मिन इंटरेस्ट पोजिशन पब्लिक के लिए ओपन किया। बिल्डिंग के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बाहर आप ले सकते हैं। रास्ता है ना, वो जो हम घर के लिए अपने क्वार्टर को जो, लेकिन एक पेड़ देखेगा आप लोग जिसका से भी है त्रिशूल होता आपका भगवान शंकर जी का। यह आप देखेगा त्रिशूल से में आप देखेगा रियल बना हुआ है त्रिशूल नुमा पेड़। यह आप देखिए 600 साल पुराना पेड़ लगे हुए। ये देखिए राइट साइड में आप देखिएगा त्रिशूल नुमा पेड़ देखेगा। हाँ ये सामने देखिए आप लोग त्रिशूल से बना हुआ है। कहीं भी आपका जो है देवद्वारा पाइन जो है सीधा स्टेट ट्रीज होता है, एक ही पेड़ आप देखे जिसका सेब त्रिशूल सेब में बना हुआ। देखिए ये राजभवन जो देखिए अभी आप लोग गवर्नर हाउस, ये आप देखिएगा मेन बिल्डिंग का जो है फ्रंट व्यू आप लोग देखे बिल्डिंग आप लोग देखिएगा। इंग्लैंड में जो महारानी का महल बकिंघम प्लेस सेम उसका आर्किटेक्ट मॉडल बिल्डिंग बना हुआ है। तो ब्रिटिश टाइम में आप देखिएगा बिल्डिंग जो है 2 ईयर्स में बनी बिल्डिंग है, तो उस समय आप देखिएगा सारा मजदूर इंडियन मजदूर हुआ करते थे। तो किस द्वारा उनके द्वारा कार्य कर 2 साल में पूरा बिल्डिंग कंप्लीट किया गया। आप ओनली आप देखिए 2 ईयर्स की बनी बिल्डिंग सर। कौन सा तुमने पहचाना? तुमने उगाए क्या करोड़? तो तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें ये बताओ। बाबू ने बहुत ईमानदारी ना, ये ज्यादा नहीं बोलने रहा है मेरे बाबू, हम बहुत कम बोल रही थी। हाँ ये जगह मेरा सब दोस्ती सब जगह है ये जगह। मगर ये तो याद आती कि मैं बाबू जब यहाँ बजरी में ना या बजरी शुरू बैठी छो बजरी में जब चलती जब वो आवाज मगर एक तला मैं खानों में चुम चुम गए। हाँ चलो उनर दुआल हमारे सब बढ़िया करो है ना। हम जा रहे हैं अभी पुरानी कोठी सचिवालय है ना। हाँ सचिवालय वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ घूम के फिर चले जाएंगे। बड़े भाई घर जाओ किनारे वालों जो किनारा है ना वो वाले में रहते थे। और उधर से उधर ये सारे वो क्यारिया बाबू वो करते थे, आलू बोते थे कभी जो भी था घुस के रल कतो बोते थे में। और पन्हा तोरबा जो क्यार से ना नाला तोरबा वाले से बाबू का मछी बहुत खेत से ना वो मामा जी थे वो इधर वाले भी थे बगल वाले।